नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर से बड़ा भारी बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का प्रभाव बुधवार की देर रात से ही धनबाद और आसपास के दिखने लगा है। देर रात तेज गरज के साथ बारिश हुई, इससे पहले दोपहर में भी काफ़ी देर तक झमाझम बारिश हुई। गुरुवार को भी धनबाद समेत पूरे उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के विज्ञानी अभिषेक आनंद की माने तो 29 और 30 जुलाई को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी संभावना है। अगले 48 घंटों में बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर आगे बढ़ेगा, इसका असर पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ झारखंड में भी पड़ेगा। खोल सकते हैं स्कूल कॉलेज, रविवार के साप्ताहिक लॉकडाउन से भी मिल सकती है राहत, नए नियमों पर फैसला आज। राज्य में कोरोना संक्रमण का दर पिछले एक महीने से काफी नीचे है, इसके साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी सरकार के जोर का असर दिख रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ गांव में भी लोग कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए जागरूक दिख रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज लॉकडाउन में कुछ छूट से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसे स्कूल कॉलेज खोलने से लेकर रविवार को लगने वाले 36 घंटों के साप्ताहिक लॉकडाउन से भी राहत दी जा सकती है। उल्टा पुल्टा महिला को लगाना था वैक्सीन का दूसरा डोज, लगा दिया कोविशील्ड, धनबाद सदर अस्पताल में हंगामा। कोरोना टीकाकरण के दौरान धनबाद सदर अस्पताल में गुरुवार को उल्टा पुल्टा हो गया। एक महिला को कोवैक्सीन का टीका लगाना जाना था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविशील्ड का टीका लगा दिया, इसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। फिलहाल महिला को चिकित्सकों की निगरानी में अस्पताल में रखा गया, ऐसा स्वास्थ्य कारणों से किया जा रहा है। हालांकि टीका लगने के बाद महिला के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं दिखा। सीएम हेमंत सोरेन पश्चिम सिंहभूम में देंगे करोड़ों की सौगात, बहुप्रतीक्षित आरओबी समेत 44 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित जेएनपी रेलवे फाटक के ऊपर 30 करोड़ की कुल लागत से बनकर तैयार बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को करेंगे। इतना ही नहीं, 2,16,00,000 के लागत से आधुनिकीकरण होने के बाद चाईबासा के ऐतिहासिक पिल्लई हॉल का उद्घाटन भी सीएम अपने हाथों से करेंगे। 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, न गवाएं अंतिम मौका। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से चयनित 11 जिलों के शिक्षकों का 25% आरक्षित सीट पर नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी हुई है थी। इनकी नियुक्ति प्रारंभिक स्कूलों में होनी है। कोविड सहित अन्य कारणों से इन 11 जिलों के शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, वहीं कई शिक्षक इससे शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे उम्मीदवारों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का एक बार फिर मौका दे रहा है, यह अंतिम अवसर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हो गई और 28 सितंबर तक चलेगी। आवास निर्माण पूर्ण कराने वालों को सिंचाई कूप, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास को पूर्ण कराने वाले लाभुक को मनरेगा योजना से सिंचाई कूप व दीदी बाड़ी योजना के लाभ दिया जाएगा। यह बात रामगढ़ प्रखंड के भदुड़िया भी पंचायत अंतर्गत राजा बांध गांव में जनता दरबार में बुधवार को उप विकास आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कही। महिलाओं से सीधी बात करते हुए कहा कि मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना की जा रही है। सरकार ने पूरा किया पारा शिक्षकों से किया वादा, खबर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा से है। विजय मांझी मारांडी स्टेडियम में बुधवार को पारा शिक्षक संघ के प्रखंड इकाई की बैठक अध्यक्ष बृजमोहन ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इसमें बृजमोहन ठाकुर ने बताया कि गठबंधन की सरकार ने चुनाव के समय घोषणा पत्र में पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करने का उल्लेख किया था। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पारा शिक्षकों का स्थानीयकरण नहीं किया गया है। मजदूरी में वृद्धि नहीं हुई तो बेमियादी हड़ताल होगी,
खबर झारखंड के साहेबगंज से है। नगर परिषद कर्मचारी संघ के तत्वाधान में बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में बैठक की गई। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष शिव कुमार हरी ने की। इस मौके पर महासचिव अनूप हरी भी मौजूद थे। इसमें नगर परिषद कर्मियों को सरकारी द्वारा बढ़ाई गई मजदूर का भुगतान अब तक नहीं होने पर विचार विमर्श किया गया। सफाई कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि यदि जुलाई माह के वेतन में वृद्धि नहीं की जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ग्राम संगठन की बहनें 235 आंगनवाड़ी केंद्रों को पहुंचाएगी सूखा राशन। खबर झारखंड के जामताड़ा से है। नारायणपुर प्रखंड के 235 आंगनवाड़ी केंद्रों में अब THR सूखा राशन का वितरण प्रारंभ होगा। इसकी तैयारी झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जुड़े आजीविका महिला ग्राम संगठन से प्रारंभ कर दिया गया। प्रखंड की 25 पंचायत में चावल की पैकिंग ग्राम संगठन के सदस्य कर रहे हैं। टेक होम राशन का वितरण गर्भवती महिला धात्री तथा आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों के बीच केंद्र की सेविका सहायिका को करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका वितरण तब संभव हो सकेगा जब उन्हें राशन पहुंचाया जाएगा और राशन पहुंचाने की जवाबदेही राज्य सरकार ने सखी मंडल से पंचायत स्तर पर बनी ग्राम संगठन के कंधे में दी है। हालांकि यह कार्य इसके पूर्व भी ग्राम संगठन ने किया है लेकिन कोरोना काल में यह काम बंद हो चुका था। जज उत्तम आनंद हत्याकांड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NB रमना ने कहा कि उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय से बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। आनंद को टक्कर मारने वाले ऑटो चालक का एक उपयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को आनंद की हत्या को हादसा का रूप देने की कोशिश की गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।